मेरी खातिर ना सही, इसकी खातिर मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, मुझे आपके पैर पड़ती हूँ। अम्मी हाँ गॉड, मैं भी तुम्हें माँ बन के दिखाऊंगी। देखा नहीं तूने, अरे पूरी दुनिया के सामने गौहर ने मुझसे माफी मांगी है। उस मनहूस मारी ने तो सारा का सारा खेल ही उल्टा कर दिया। उमर को तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ, तुम जब तक चाहो उसको अपने पास रख सकते हो। अगर हो सके तो उन तमाम ज्यादतियों के लिए जो मैंने तुम्हारी इज्जत की, मुझे माफ कर देना। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे, सचमुच में मुझे उस पागल के साथ छोड़कर जा रही हो? तो और क्या कर सकती हूँ मैं अम्मा? देख मैं तबीयत खराब होने का बहाना कर देती हूँ, तू बस मन जा। देखो अम्मा, ऐसा नहीं करना, वरना सब सोचेंगे कि हमेशा अच्छे वक्त में ही तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो जाती है। मैं उसके साथ अकेले नहीं रह सकती। तू देख वो घर से सबको भगा रही है, जेवर भी दे दिया उसने और खाना भी मेरे लिए पका रही है। कोई चलाकी है, मैं अकेले नहीं रह सकती उसके साथ। गोरी तौबा है अम्मा, ना तुम्हें उधर चैन था ना तुम्हें इधर चैन है। हाँ तो क्या करूं, मेरे सर पे काले बादल मंडला रहे हैं। मुझे तो हैरत तुम पर हो रही है कि तुम जाने के लिए कैसे तैयार हो गई। अम्मा कुछ भी नहीं करेगी। अच्छा तो जो उस चुड़ैल के जिन्होंने बताया है कि उसका इरादा क्या है? देखो अम्मा, अब की बार वो कुछ भी नहीं कर सकती, मैंने उसका पूरा इंतजाम कर दिया। अच्छा क्या इंतजाम किया? मैंने शहनाज को समझा दिया कि वो तुम्हारे इर्द गिर्द रहे, तुम्हें अकेला नहीं छोड़े, और अगर गौहर ने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो शहनाज संभाल लेगी उसे। वाह वाह, क्या बॉडीगार्ड चुना है तूने मेरे लिए। अम्मा वो एक है और तुम और शहनाज दो, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती वो तुम्हारे, और अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की ना तो तुम्हारे हाथ तो मौका आ रहा है, तुम भड़ास निकाल लेना अपनी, लगा देना एक दो। ठीक है, देख लूंगी इसको भी मैं। तू चल, तू जा हसन के साथ डिनर पर, लेकिन जरा जल्दी आ जाना। मैं आ जाऊँ, तुम परेशान हो। मैं इस हैंड में पकड़ो, इस हैंड ऐसे, चलो अब लिखो। जहांगीर मुझे नहीं जाना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। आपको पता है मैं आपके लिए और उमर के लिए कितना परेशान रहूंगी। क्या परेशानी रही, हम लोग मैनेज कर लेंगे, बताया तो था मैंने। या अल्लाह मेरी बाबा की मदद करें, उन्हें जल्द इस तकलीफ से निकाल दें, वो बहुत अच्छे हैं। अरे आंटी आइए ना, बैठिए। यहाँ नहीं, यहाँ बैठे मेरे साथ। अम्मी हमेशा मेरे साथ ही बैठती थी। आज मैंने आपके लिए बहुत ही स्पेशल चीज बनाई है। शहनाज, शहनाज ले आओ भाई। जी बीबी, खीर बनाई है मैंने आपके लिए। ये खीर मैंने बहुत ही प्यार से बनाई है आपके लिए। जरूर जहर मिलाया होगा इसने। अब अगर इतने प्यार से बनाई है तो फिर पहले तुम खाओ। इतने प्यार से तो अगर आप जहर भी खिलाएंगी तो वो भी खा लो। बहुत मजेदार है। जी किरण, ये मेरी अम्मी की पसंदीदा अंगूठी थी, वो हर वक्त इसे पहने रहती थी। बहुत खूबसूरत है। ये मैंने उन्हें गिफ्ट की थी उनकी सालगिरह पर। डायमंड की है। अच्छा, अगर तुम्हारी अम्मी की ये आखिरी निशानी है फिर तो तुम्हें इसे हर वक्त हाथ में पहने रखना चाहिए। मगर मैं इसे आपके हाथ में देखना चाहती हूँ। मेरी इनकार मत कीजिएगा। देखें कितना जच रही है आपके हाथ पे। ये गौहर, तुमने अपनी अम्मी की आखिरी निशानी मेरे हाथ में पहना के ये बात साबित कर दी है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, कितना चाहती हो मुझे। मैं इस अंगूठी को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज बना के रखूंगी। और ये अंगूठी ही तेरी जान लेगी बुढ़िया। अब इसी बात पे मुंह मीठा करते। खूबसूरत है। शुक्र है तुम सही सलामत बैठी हो। क्या हुआ? ये क्या? ये देखो अंगूठी शहनाज की होगी, उस बेचारी को वापस कर दो। शहनाज की नहीं है, गौहर ने दी है मुझे, और वो भी हीरे की है। तुम्हें पता है ये उसकी माँ की अंगूठी थी। गौहर ने अपनी माँ को दी थी और अब मुझे गिफ्ट की है। ये माँ, इसमें तो सच में हीरे लगे हुए हैं। और देखो तो सही कितनी खूबसूरत है। और मैंने पहनी है तो मेरा हाथ और भी खूबसूरत लग रहा है। हाँ लाओ, मुझे दो ना, मैं पहनकर देखूं। नहीं। वैसे इतना महंगा तोहफा उसने तुम्हें दिया क्यों है? क्यों? उसने तो अपनी माँ का जेवर तुम्हें और अफशान को भी दिया है। फिर? और वैसे भी उसका दिल चाहा तो उसने मुझे दे दी। ये तो अल्लाह की करनी है। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी, पता है, कि मुझे भी कोई हीरे की अंगूठी दे। बस जी, इंसान सोचता कब है और हो कब जाता है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे ना उसकी कोई बहुत बड़ी चाल होगी, कोई बहुत बड़ा मकसद होगा। मुझे तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हाँ, तो मैं कौन सा अपना दिलो जान से उस पर भरोसा कर बैठी हूँ। बस ठीक है, जब तक वो मुझ पर मेहरबान है मैं भी इस्तेमाल करूंगी। अच्छा, अब तुमने पहन लिया ना, तो लाओ मुझे दे दो, मैं इसे अपनी ज्वेलरी के साथ रख देती हूँ। क्या है, क्यों पीछे पड़ गई हो? नहीं दे रही मैं। अरे तुम कहीं खो दोगी ना, रख कर भूल जाओगी, लाओ मुझे दे दो। मैं बच्ची हूँ जो घुमा दूंगी, खो दूंगी? वैसे भी दिलो जान से लगा के रखूंगी इसको मैं, और हर वक्त मेरी नजर इस पे रहेगी। और हाँ, अगर अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया ना, तो साथ ही दफनाना इसको मेरे। हद है, लाओ मुझे दो। दो ना। नहीं दे रही मैं, जान छोड़ दो मेरी। अच्छा ठीक है, 2-4 दिन पहनकर तुम्हारा शौक पूरा हो जाएगा ना जब, तो रखिए, मेरी ज्वेलरी के साथ ही जाएगी। ऐसे ये गौहर है बहुत चालाक, जो चीज मुझे पसंद थी उसने दूसरों को उठा कर दे दी। इतना प्यारा सेट था वो उसने अफशा को दे दिया, और ये अंगूठी देखो ना कितनी हसीन है, उसने तुम्हें दे दी। अच्छा छोड़ सारी बातें, तुम एक बात बताऊं, हमारे बाहर जाने से और हसन के अलग होने से इसका दिमाग ठिकाने पर आ गया है। मुझे नहीं लगता, ये सब कुछ वक्ती है, तुम देख लेना, कभी भी नहीं सुधरेगी वो। नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि अब कोई उल्टी हरकत करेगी। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मौके की तलाश में है वो, हम दोनों की जानी दुश्मन है। जरूर इसके पीछे उसका कोई प्लान है, इससे इतनी आसानी से तो चीजें नहीं दे सकती। जान ले लेगी हम दोनों की। हाँ हाँ ठीक है, अब हमें भी अपनी आंखें और कान खुले रखने, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। सुनो, दरवाजा ना अंदर से लॉक कर सोना, कहीं ऐसा ना हो रात में आके तुम्हारा गला दबा दे। चल दफाओ। जानवर को ज़िबाह करने से पहले पानी पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, खिदमत की जाती है उसकी। करूंगी, मैं भी करूंगी, बहुत खिदमतें करूंगी तुम्हारी, और उसके बाद तुम्हारे गले पे छुरी भी मैं ही फेरूंगी। मिला ही अम्मी से, देख लिया उनको, हो गई तसल्ली। अब सारे रास्ते परेशान रही उनके लिए। ठीक है आंटी। अब क्या हो गया? आपकी अम्मी की कोई डायमंड की रिंग थी क्या? हाँ, आप ही ने दी थी अम्मी को। तुम क्यों पूछ रही हो? उन्होंने वो रिंग अम्मी को गिफ्ट कर दी है। क्या? क्या कहा तुमने? आप ही ने वो आंटी को दे दी है? ना मुमकिन, मैं नहीं मानता। मैं झूठ नहीं बोल रही हसन, अभी देख कर आ रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद जाकर देख लें। वो रिंग अम्मी के लिए जान से बढ़ के थी। ये जानते हुए भी अगर आप ही ने ये किसी को गिफ्ट कर दिया तो इसका मतलब आप ही ने उनको अपनी जान दे दी है। हैरत है। वैसे क्या चमकदार और खूबसूरत चीज होती है ये डायमंड। मुझे आपसे भी बिल्कुल वैसी ही रिंग चाहिए जैसी आप ही ने अम्मी को दी है। ठीक है, दे दूंगा। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा औलाद होने पर तुम्हारी यह ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। सच? लेकिन फिर ऐसा ना हो कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने से इनकार करते हैं। अरे कहा तो है वो भी कर दूंगा, तुमसे बढ़कर नहीं है। फिर ठीक है, और साइज बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जितना अम्मी की अंगूठी का। ठीक है, और कोई फरमाइश? कलर सेम। अरे ये आप क्यों कर रही हैं आंटी? क्या हो गया आपको? अस्मा बेटा, मुझे काम करने की आदत है, इसीलिए तो कर रही हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अस्मा, अस्मा, फिर भी अस्मा है, उसे आवाज दे दिया करें, वो आके कर देगी। जी सर। ये आंटी खुद बर्तन समेट रही हैं, तुम कहाँ हो? मैं किचन में थी, इंतजार में थी कि आप लोग नाश्ता कर लें, तो मैं आके सफाई कर रही हूँ। आप आवाज दे देती हैं बीवी मुझे। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा सुनो, इनका बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना है, जो इन्हें खाना हो, जो चीज चाहिए हो, तुमने बना कर देनी है, ठीक है? जी, आप फिक्र मत करें। बिला वजह हमने तुम्हें परेशानी में डाल दिया, इतनी जहमत बेटा। कैसी बातें कर रही हैं आप तो मेरे लिए रहमत बनकर आई हैं। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज लाने का जरिया बनी आप। आपका ये एहसान मैं कैसे भूल सकता हूँ। और आप फिक्र ना करें, आपका काम भी मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द कोई मुनासिब घर मिल जाए। जब तक आप इसे अपना घर समझें, बिल्कुल सुकून से रहें, कोई परेशानी वाली बात नहीं। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दुख ना दे। आमीन। पहले मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, फिर ऑफिस जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है सर। जरूरत है गुल, मुझे तसल्ली चाहिए। कल अपनी हालत देखी थी ना? वो कल थी, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस टेंशन और स्ट्रेस की वजह से हो रहा था सब कुछ, डॉक्टर ने भी यही कहा है। अब कोई टेंशन नहीं है मुझे, जब भी तो सुकून की नींद सोई हूँ। लेकिन गुल। अरे हसन, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अब टेंशन मत लो। माशाल्लाह से गुल अब पहले से ज्यादा खुश है, और खुश रहेगी, है ना? ये मेरा वादा है तुमसे। तुम परेशान मत हो, ऑफिस जाओ, अपने काम पे ध्यान दो। क्यों गुलरुख? जी बिल्कुल, मैं भी यही कह रही थी। बहुत तसल्ली मिल रही है मुझे बाप से आपकी। खुदा मेरी बहन को सलामत रखे। आमीन। चले फिर मैं ऑफिस चलता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। जूस पियोगी गाजर का? बनाओ तुम्हारे लिए। अब नहीं, मुझे पसंद नहीं है, शुक्रिया। ये उमर कहाँ है? उमर बाहर सुंदस बीबी के साथ खेल रहा है। सुंदस और उमर की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। ये तो अच्छी बात है। मैं चलता हूँ। खुदा हाफ़िज़। गुड, वी आर विनर। अभी देखिए ये बोझ मुझे एक दफा ट्राई करना है इससे। हेलो, क्या हो रहा है भाई? उमर बस गेम खेलना चाह रहा था, तो मैं भी। Good. बाबा तो बिगिनर्स हैं, इनको तो कुछ भी नहीं आता। उमर, I'm not loser. First time खेल ली थी ना, next time तो जीत के दिखाऊंगी। ज़्यादा तंग मत करना इन्हें, अच्छा? जी बाबा। He's a good boy. बस इसे दोस्त बनाने का बहुत शौक है। बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा मैं चलता हूँ। उमर तुम गेम जरूर खेलना, लेकिन पढ़ाई वक्त पर कर लेना। जी। वैसे आपके लिए एक सजेशन है। ये गेम सीख मत जाइएगा, वरना हर वक्त ही आपको उलझा कर रखेगा इस गेम में। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं इससे पहले इसको किसी और गेम में उलझा दूंगी। Okay. Allah Hafiz. Have a good day. Too. Thank you. चलो जल्दी हमें गेम स्टार्ट कर लो। Okay. बंदा अच्छा खेल रहा है उसको। Good, good, good. Take right, take right. मुझसे चाहे जिस तरह भी बात कर लो, लेकिन अपनी माँ से बात करने का ये तरीका ठीक नहीं है तुम्हारा। अच्छा, अब तरीके और सलीके आप समझाएंगी मुझे। सब जानते हैं कि कितनी तमीज़दार हैं आप। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अरे गौर, ये क्या कर रही हो तुम? मैं आपका रूम ठीक कर रही थी। बेडशीट चेंज किए, काफी दिन से वो पुरानी वाली बिछी थी, मैली हो गई थी। तो तुम क्यों कर रही हो? शहनाज से कह दिया होता। आपका काम करना मुझे अच्छा लगता है, तसल्ली सी होती है। अम्मी मरहुमा की तो खिदमत कर नहीं सकी मैं। आपकी जिंदगी में कम से कम आपकी खिदमत कर लूं। जीती रहो, अल्लाह पाक तुम्हारी माँ की मगफिरत करे। आमीन। कोई भी काम हुआ करे ना, आप मुझे बताया करें, आवाज दे लिया करें मुझे, मैं आ जाया करूंगी। अच्छा ठीक है। इसका इस तरह आना बनता तो नहीं था, फिर क्यों आई? अचानक नई बेडशीट भी, सुइयां तो कहीं गाड़ के नहीं चली गई? कुछ भी तो नहीं है, फिर क्या करके गई है? इस तरह तो मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकती। क्या किया होगा इसने? अरे कहीं मेरी अंगूठी लेके तो नहीं चली गई? नहीं, शुक्र है। आ गई मम्मा की याद तुम्हें? हाँ, आपको आई थी तो आपने कॉल क्यों नहीं की? अरे भाई, सुबह से कामों में बिजी थी, बस करने ही वाली थी। ये बताओ, पैर का दर्द कैसा है तुम्हारा अब? वो तो खत्म भी हो गया। अच्छा, ऐसा कौन सा जादू कर दिया? जादू नहीं किया था, वो आंटी आई है ना जर्मनी से, उनके पास एक क्रीम थी तो उन्होंने मुझे रात को क्रीम लगाई थी, सुबह को दर्द खत्म हो गया। आंटी कौन कौन आया है? अरे हाँ, आपको तो पता नहीं ना, आमना आंटी आई है और उनकी बेटी सुंदर सापी। उनसे तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। कब से हैं वो लोग यहाँ पर? बस कल ही आए वो लोग। मामा आप एक काम करें, आप भी यहाँ पे तैयार होके आ जाएं, आपको लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं आती हूँ। कौन है ये माँ बेटी, और जहांगीर के पास क्यों रह रही है? चक्कर क्या है आखिर? कैसे सोता छोड़ दिया तुमने मुझे? तुम्हें पता भी था मुझे ऑफिस जाना है। आप इतने दिनों के बाद इतनी गहरी नींद सो रहे थे तो जगाने का दिल नहीं किया। अच्छा, हसन गया? वो तो अपने टाइम पर ही चला गया था। वैसे भी आज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग तो नहीं है ना आपकी, तो आप रेस्ट कर लें। ऑफिस तो जाना जरूरी है ना। अच्छा तुम नाश्ता बना दो, मैं आता हूँ। मैं बना देती हूँ। आप ये दवाई। ओह थैंक यू। टाइम पे ले लीजिएगा। देर हो रही है मुझे, उमर इंतजार कर रहा होगा। हाँ निकलती हूँ। ठीक लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हूँ। ऐसे ही रहा करें हमेशा। कुछ भी कर लूँ तुमसे प्यारी नहीं लग सकती मैं। कोई और हेल्प चाहिए? नहीं नहीं बस जा रही हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अच्छा आप ही, आपका फोन। थैंक यू। अम्मी जब मैं पैदा होने वाली थी तो आपको बेटी की ख्वाहिश थी या बेटे की? मेरे लिए तो औलाद का होना ही अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से था। फिर बेटा हो या बेटी, बस अल्लाह से ये दुआ थी कि जो भी हो साथ खैरियत के हो। और तब कैसा एहसास होता था? बहुत खूबसूरत। मुझे भी ना अब कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है। बस तू अपना ख्याल रख, पता नहीं बेटा हो या बेटी, अल्लाह सब खैर करे। अरे अम्मी बेटा हो या बेटी, कहलाएगा तो नानी की जान ही ना। नानी कहलाते हुए लेकिन आप अच्छी नहीं लगेंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि नानी जैसा लफ्ज जो है तो बुजुर्ग खवातीन के लिए होता है। इनको जरा गौर से तो देखो, ये कहीं से भी नानी लगती है। इनके लिए तो कोई मॉडर्न लफ्ज होना चाहिए, जैसे ग्रैनी वगैरह। अब अगर किसी को पता ना होना कि आपकी जवान बेटी है तो यकीनन आपके लिए शादी की ऑफर आ जाएगी। ये किस किस्म की बातें कर रही हैं आप अम्मी से? ठीक ही तो कह रही हूँ। देखो जरा कितनी स्मूथ स्किन है इनकी, एक भी रिंकल नहीं है फेस पे। जरा सा तैयार हो जाती हैं तो कितनी हसीन लगती हैं माशाल्लाह से। अरे गौहर कैसी बातें कर रही हो? वैसी भी कोई बात नहीं है, बस ठीक ही लगती है। आप अपने आप को गौर से देखिएगा आईने में, बिल्कुल बहन लगती हैं आप अपनी बेटी की। बस बहुत हो गया गौहर, अब आप जाइए यहाँ से। ठीक है भाई। अब कहाँ जा रही हूँ? उमर से मिलने जा रही हूँ, वैसे ही देर हो गई है मुझे। और गुलरो आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा कि मैंने आंटी की इतनी तारीफ कर दी तो। आंटी आंटी भी बोलने का दिल नहीं करता आपको सच में। अच्छा खुदा हाफिज। क्या है तुम्हें? ये बेवकूफ बना रही थी वो तुम्हें, नहीं तो झूठ थोड़ी बोल रही थी। मेरी तारीफ कर रही थी ना, तुम ये कहना चाह रही हो कि वो झूठ बोल रही थी? तो क्या मैं कम उम्र हंसी नहीं लगती हूँ क्या? तुम उसकी बातों में आ रही हो। मेरी तारीफ कर रही थी, कोई मुंह से अंगारे नहीं बरसा रही थी जो तुझे बुरा लग रहा था। तुम क्यों जल रही हो? मैं जलूंगी तुमसे अम्मा? हाँ तो बोलने देती ना उसको। मुझे अच्छा लग रहा था, एक अरसे के बाद किसी के मुंह से मैंने अपनी तारीफ सुनी है। तुझे तो गैरत शर्म है ही नहीं कि कभी माँ के लिए कोई तारीफ का एक जुमला ही मैं बोल दूं। देखो माँ, मैं जो कह रही हूँ ना उसे गौर से। गौहर के इरादे भाड़ में गए। इरादे इरादों की बात कौन कर रहा है? तुम क्या मुझे एहसास कमतरी में लाना चाहती हो क्या? तुमने मेरा मूड खराब कर दिया है गुल। दफा हो जाओ। अम्मा मेरी बात तो सुनो। तुम अब तक यहीं हो? गई नहीं छोड़ के? क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। और क्या? तमीज से बात किया करो मुझसे। वहाँ पे मेरे दो मामू हैं, दो मामी हैं और एक नईमा आंटी हैं, गुलरुख मामी की अम्मी। अच्छा तो मतलब इसके अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? दोस्त हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं। बाबा मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और अब आप। क्यूट। मामा कैसी हैं आप? ठीक हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, वालेकुम अस्सलाम। मामा ये सुन दो सापिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। आप लोग बैठिए, मैं जरा उमर के साथ कुछ टाइम गुजारना चाहती हूँ। जी जी, श्योर श्योर, प्लीज। बेटा, कौन है ये? उमर की मामा। अच्छा। बल्कि आप अस्मा से कहें कुछ खाने का पूछ ले उन्हें जाके। रो रही हो? नहीं तो। अरे क्या हुआ है, वजह तो बताओ, क्यों रो रही हो? तुम हो वजह। मैंने क्या किया है? हाँ, तुमने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। अरे बताओ ना, हुआ क्या है, क्यों रो रही हो? तू कल गई थी, तूने एक फोन किया अपनी माँ को। इंसान पूछ ही लेता है कि तू जिंदा भी है कि नहीं। अरे तुम्हारे लिए सारे इंतजामात तो करके गई थी मैं। फिर भी इंसान एक फोन ही करता है। तुझे पता भी है कि मैं गौर से कितना डरी हुई थी। अच्छा बाबा, माफ कर दो। तुम्हें पता है सारे रास्ते भी मैं तुम्हारे लिए परेशान रही हूँ। हसन से भी तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, चाहे तो पूछ लेना हसन से। और गौहर से तुम क्यों डर रही थी? उससे तो बहुत गहरी वाली दोस्ती हो गई है ना तुम्हारी। बस बस, रहने दे। अच्छा, अब इस तरह करोगी तुम मेरे साथ? मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। अच्छा ना, अब अपना मूड ठीक करो। देखो कैसे बुझा हुआ सा चेहरा लग रहा है तुम्हारा। हाँ बस ऐसे ही है। अच्छा नहीं करनी ना बात, पक्का ना? जाऊँ मैं जा रही हूँ, रोकना नहीं अब मुझे। हम लोग कमरे में क्यों आ गए मामा? उन्हीं के साथ बैठ जाते। इतने मजे मजे की बातें कर रही थी सुंदर साफी। उमर बेटा, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन किसी को ऐसे कमरे में छोड़ के आना, वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना मामा। उमर, मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ, मेरा एक एक सेकंड कीमती है बेटा। मैं उनके साथ बैठ के अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती। सच बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुंदर साहब बहुत अच्छी हैं, आप उनसे एक बार दोस्ती तो करें, आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है, कर लूंगी दोस्ती। ये बताओ, ये यहाँ क्यों आई हैं और कौन है ये? पता नहीं, आपको बताया तो था। बस दुआ और छोटी मामा का सामान लेके आई थी। अब यहीं रहेंगी क्या? हाँ, शायद थोड़े दिन यहीं रहेंगी, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है ये लोग यहीं पे रहें, क्योंकि इतने दिनों बाद बाबा ने पेट भर के नाश्ता किया था। इतना मुस्कुरा भी रहते और सबसे इतनी बात भी की थी। चलें आजे, खाना खा ले। मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि खाना लेकर आओ मेरे लिए। मेरा दिल किया तो मैं ले आई, क्योंकि मुझे पता है मेरी वजह से आपका दिल दुखा है। वो बात कब की खत्म हो चुकी है। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगता है कि बात अभी शुरू हुई है। क्या हो क्या गया है आपको? मुझे क्या होना है, मैं अब क्या चुप भी नहीं रह सकती? लेकिन आपका रवैया तो मुझे बता रहा है कि आप अभी तक नाराज हैं मुझसे। अच्छा, तो यानी कि अब तुम मेरा रवैया देखोगी? अच्छा, बहस मत करें, खाना खा लें आकर। मुझे खाना नहीं खाना है, उठाओ और यहाँ से चली जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। आप भी मेरा दिमाग मत खराब करें। क्या हुआ, सब खैरियत है? ये हम दोनों माँ बेटी की आपस की बात है, आप बीच में मत बोले, जाएं यहाँ से। देखो गुल, अपने गुस्से और जज्बात पे काबू रखो, मुझसे चाहे जिस तरह भी बात कर लो, लेकिन अपनी माँ से बात करने का ये तरीका ठीक नहीं है तुम्हारा। अच्छा, अब तरीके और सलीके आप समझाएंगी मुझे? सब जानते हैं कि कितनी तमीज़दार हैं आप। मुझ में लाख हैब सही, लाख बुरी सही में, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में अपनी माँ से कभी इस तरह बात नहीं की जिस तरह के तुम कर रही हो अपनी माँ से। मेरी माँ है, मेरी मर्जी, आपको नौती बीच में बोलने वाली? मेरी भी माँ की तरह है ये, बल्कि मैंने अपनी माँ ही समझती हूँ। जो अम्मी के लिए आपका अचानक से इतना प्यार उबल रहा है ना, सब जानती हूँ मैं। गुल, बोलने दे आंटी से, बोलने दे। इसके दिल में जितना जहर भरा है ना, उगलने दे इसे। जितनी बदतमीजी कर रही ना, करने दे इसे। ये समझती है कि मैं दोगली हूँ, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। आपसे मोहब्बत और आपका ख्याल रखने के पीछे मेरा कोई मकसद है। लेकिन ये भी जानती है कि गौहर को अगर कुछ करना हो ना, तो वो कर गुजरती है। उसे किसी बहाने की तलाश नहीं होती और ना ही वो किसी से डरती है। मैंने खुद को बदल दिया है, उस गौहर को मार डाला है मैंने। तुम भी अपने दिल से मैल निकाल दो, जितना जहर भरा है निकाल के फेंक दो अपने दिल से। गौहर ठीक कह रही है गुल। अम्मी, अब आप तो इनकी बातों में मत ही आए, सब जानती हूँ मैं इनके बारे में, ड्रामा कर रही है ये। गुल, बिल्कुल चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, एक लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ गुल कि तुम आंटी से अपने रवैये की माफी मांगो, इससे तुम्हारा दिल भी बड़ा होगा और आंटी को भी सुकून मिलेगा। अब आपके कहने से माफी मांगूंगी मैं इनसे। मुझसे जितनी नफरत करनी है कर लो, जितनी बदतमीजी करनी है कर लो, मगर अपनी माँ को इज्जत दो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो। वो माँ है तुम्हारी, तुम्हारी किसी भी बात से उनके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आनी चाहिए। बस इतना समझाना चाहती हूँ मैं तुम्हें। अब आप तो मुझे कुछ मत ही समझाएं। लेकिन गुल, गौहर, कम से कम तुम ही चुप हो जाओ। ठीक है आंटी, जैसा आप कहें। आप दिल छोटा मत करें, आप तो जानती हैं गुल अभी बच्ची है, जज्बाती है, सही गलत की समझ नहीं है अभी उसे। जब खुद माँ बनेगी ना, तब समझ जाएगी। यही दुनिया का दस्तूर है। बस आप दिल पे मत लीजिएगा उसकी बातों को। अभी तो शुरुआत है नईमा बेगम, इस बार मैं नहीं, तुम्हारी बेटी ही तुम्हारा सर फोड़ेगी। खाना खा लीजिए। सोया है नसीबा रवा, ऐसी है जुदाई वे।